हर साल इस तरह से आह्वान कर देना, हर साल लिस्ट जारी कर देना कि इतने स्कूल इल्लीगल है, वो क्या काफी है? ज्यादातर स्कूल पहले से आठवीं कक्षा तक के है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रेस नोट बोल रहा है। आठवीं कक्षा में पढ़ने के बाद अगर बच्चे को नवीं कक्षा में दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिले, क्या आप जहां से आए हो वो अवैध स्कूल थी, उसकी मान्यता नहीं थी, तो बच्चे के भविष्य का क्या? दसवीं बोर्ड है, बारहवीं बोर्ड है, कॉलेज है, वहां तक के स्कूल अवैध संचालित हो रहे और प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, ये जो खबर है ये काफी अहम खबर है, इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कहीं ना कहीं इस वीडियो से, इस खबर से काफी लोग प्रभावित होने वाले हैं। दरअसल पिछले सप्ताह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पर, आपने देखा होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए आह्वान किया था कि 7 स्कूल जो है अनाधिकृत उनके क्षेत्र में संचालित हो रही है इस समय, इसमें कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन न दिलवाए। ये खबर थी, ये खबर सामने आई थी, उस खबर को, उस वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि वसई विरार महानगर पालिका में भी, वसई विरार क्षेत्र में भी ऐसे कहीं स्कूल है। अब बड़ी बात यह है जो मैंने बात कही थी उस दिन कि कहीं स्कूल यहां है, तो पालगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी ने एक प्रेस नोट 10 जून को जारी किया। ऐन वक्त है, अभी स्कूल शुरू हो चुके हैं, आज 13 जून था, कहीं स्कूल आज पहले दिन शुरू हो चुका, कहीं स्कूलों का आज पहला दिन था, और कहीं स्कूल 15 तारीख से शुरू होने वाले। ऐसे बीच में, ऐसे समय में पालगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी का एक आह्वान पत्र आता है। उस आह्वान पत्र में 118 स्कूल की लिस्ट आती है पालगढ़ जिले में, जो कि अनाधिकृत या अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 118 स्कूल अनाधिकृत संचालित हो रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 8 पालगढ़ के दूसरे क्षेत्रों में है, बाकी 110 स्कूल वसई तालुका क्षेत्र में है। मैंने अपने पिछले वीडियो में यह बात कही थी कि वसई विरार अंतर्गत भी ऐसे कई स्कूल होने की संभावना है, और ये आह्वान पत्र में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है 110, मैंने पिछले वीडियो में 7 के 7 स्कूल का नाम लिया था, यहां नाम लिया जाना भी मुमकिन नहीं है, 118 स्कूल का नाम पढ़ना भी मुमकिन नहीं है। अब आप सोचिए, अगर 118 स्कूल जो है पालगढ़ जिले में अवैध संचालित हो रहे, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कर क्या रहा है? क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? वो ये आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में ना कराएं, लेकिन उन स्कूलों के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? क्या जिला शिक्षा अधिकारी जो जिन्होंने प्रेस नोट निकाला, यह आम आदमी तक पहुंच पाएगा? मेरा वीडियो जो मैं अभी इस समय बना रहा हूं, क्या हर एक परिजन, हर एक माता पिता के पास पहुंच पाएगा? तो जिन माता पिता ने अपने बच्चों का एडमिशन इन अवैध स्कूल में करके रखा है, जिनकी कोई मान्यता नहीं है, उनके बच्चों का भविष्य का क्या? यह सवाल है सीधा मेरा जिला शिक्षा अधिकारी से। क्या सिर्फ प्रेस नोट निकालकर आह्वान करना काफी है? क्या वसई के गढ़ शिक्षण अधिकारी, वसई में जो बैठे हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया, वो अपना बताएं। हर साल इस तरह से आह्वान कर देना, हर साल लिस्ट जारी कर देना कि इतने स्कूल इल्लीगल है, वो क्या काफी है? ज्यादातर स्कूल पहले से आठवीं कक्षा तक के है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रेस नोट बोल रहा है।
आठवीं कक्षा में पढ़ने के बाद अगर बच्चे को नवी कक्षा में दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिले, क्या आप जहां से आए हो वो अवैध स्कूल थी, उसकी मान्यता नहीं थी, तो बच्चे के भविष्य का क्या? और पालघर के जो इस लिस्ट में कुछ स्कूल है उसकी मान, वो छठी से बारहवीं तक के स्कूल भी अवैध है, बारहवीं कॉलेज है, दसवीं बोर्ड है, बारहवीं बोर्ड है, कॉलेज है, वहां तक के स्कूल अवैध संचालित हो रहे हैं और प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ है। प्रशासन शायद कुछ करेगा नहीं, करना हमको और आपको ही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, ताकि कम से कम जितने परिजनों तक ये खबर जाएगी वो परिजन कम से कम अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे अवैध स्कूल में नहीं करवाएंगे। अवैध स्कूल नहीं कहूंगा मैं, शिक्षण माफिया कहूंगा, ये पूरा माफिया है। हजारों लाखों की लूट होती है स्कूलों के नाम पर, परिजनों को लूटा जाता है और इस लूट में प्रशासन शामिल है। प्रशासन के बगैर ये लूट पॉसिबल नहीं है। तो एक बार फिर से वही विनती करता हूं कि आप लिस्ट को चेक कीजिए और अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों से बचाइए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।